आगे बढ़ते हैं। मंत्री हेमाराम चौधरी के अनुशंसा पर संग्राम सिंह कटियार को एपीओ कर दिया गया है। दरअसल डीएफओ संग्राम सिंह कटियार के एपीओ प्रकरण में मंत्री के पत्र की भूमिका अहम मानी जा रही। 3 जनवरी को मंत्री हेमाराम चौधरी ने पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर उसमें कहा गया था कि रणथंभौर के उप क्षेत्रीय निदेशक प्रथम संग्राम सिंह कटियार द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लापरवाही एवं पर्यटकों को उचित सुविधा दिए जाने में उदासीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से एपीओ का आदेश जारी करवाकर अनुग्रहित करवाएं। और आज संग्राम सिंह को एपीओ करने के आदेश कार्मिक विभाग ने जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मंत्री ने 30 जनवरी को पत्र लिखा था और आपको यह भी फर्स्ट इंडिया ने जानकारी दी थी कि वागिन T-114 की 31 जनवरी को मौत हुई थी। ऐसे में मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया कि संग्राम सिंह ने कौन सी लापरवाही बरती है। उधर रणथंभौर में अलग ही चर्चा की एक लोबी विशेष के दबाव में मंत्री ने यह पत्र लिखा। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल, एक मंत्री अगर कुछ ऐसा लिखे तो उसके पीछे के कारण बताना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि एक जिम्मेदारी का पद है। अगर वो कारण नहीं बताए गए तो सवाल जो उठ रहे हैं, क्या उनका जवाब मिल पाएगा? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। बड़ी बात यह है कि वैसे भी देखिए रणथंभौर ऐसा है, उसको कांटों का ताज कहते हैं, क्योंकि पूरे देश दुनिया की उस पर नजर रहती है। वहां के पर्यटक पहुंचते हैं, उसमें बहुत VIP पर्यटक होते हैं, तो जरा सी भी अगर कोई भी ऊंच नीच होती है तो निश्चित तौर पर उसकी गाज डीएफओ पर गिरना लाजमी ही होता है। लेकिन जिस तरह से मंत्री ने लिखा 31 तारीख को मौत होती है 114 की, लेकिन उससे पहले उन्होंने 30 जनवरी को पत्र लिख दिया था मुख्यमंत्री को कि संग्राम सिंह को हटाया जाए और उसमें पर्यटन में लापरवाही कारण बताया गया है। देखिए विडंबना यह है कि संग्राम सिंह कटियार के पास पर्यटन का चार्ज है ही नहीं, वहां पर संदीप चौधरी जो है वो पर्यटन देखते हैं, ना कि संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह की लापरवाही पर्यटन में कैसे हुई, पहली बात तो सवाल ये था। दूसरा ये कि आपने को स्पष्ट करना चाहिए था, आपने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखते हैं आप कि इस तरह से लापरवाही बरती गई, उनको तत्काल प्रभाव से एपीओ किया जाए, तो आपको कारण स्पष्ट करना चाहिए कि संग्राम सिंह से कौन सी इस तरह की लापरवाही बरती। इस वजह से नहीं कि उससे संग्राम सिंह को पता चलता है, इस वजह से कि आने वाला जो दूसरा उप क्षेत्रीय निदेशक आएगा, जो नया डीएफओ आएगा, वो कम से कम इस बात का अपने जहन में रखेगा कि इस तरह की लापरवाही उसके साथ कभी दोबारा उसके जरिए तो ना हो, कम से कम जो संग्राम सिंह के साथ हुआ है वो उनके साथ ना हो। लेकिन देखिए मैं जैसा पहले कह रहा था कि पिछले 3-4 दिन से एक चर्चा हो रही है विजेंद्र, बाजार में इस तरह की अफवाह थी, मार्केट में इस तरह की अफवाह थी, वाइल्ड लाइफ के बीच में इस तरह की अफवाह थी कि एक लॉबी विशेष बार बार ये कह रही है कि कौन लगना चाहता है सवाईमाधोपुर में नया डीएफओ, वो उसके नाम तक मांगने लगे थे। तो ऐसे में लगता है कि ये पूरा जो प्रकरण है इसके पीछे कहीं ना कहीं एक लॉबी विशेष का जरूर हाथ है, जिस तरह का कि वाइल्ड लाइफ के बीच में चर्चा है, जिस तरह की मीडिया के बीच में चर्चा है, तो निश्चित तौर पर इसको देखना होगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि निर्मल सियासत अपनी जगह होती है और ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह होती है। अगर इस तरीके से अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्पष्ट नहीं कहा गया कि भाई किस वजह से हटाया गया है। अगर ऐसे कार्रवाई होगी तो कोई अधिकारी काम ही नहीं कर पाएगा। निश्चित तौर पर देखिए गुड गवर्नेंस की बात होती है, जब हमारे अगर राजस्थान सरकार की बात करें तो गुड गवर्नेंस में आपको कम से कम ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, पारदर्शिता। आप संग्राम सिंह को हटा रहे, बल्कि नया डीएफओ आएगा आपको उसको भी हटाना पड़ेगा। ये बात सही है कि रणथंभौर में पिछले काफी समय से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। पिछले दिनों T-57 की मौत होती है, उसमें भी ऐसा लगा था कि थोड़ी बहुत नेग्लिजेंसी सामने आई थी। उसके बाद 114 की मौत होती है, उसके शावक की मौत होती है, दोनों शावकों को आप जयपुर की जगह अबेड़ा कोटा भेजने का निर्णय ले लेते हैं। और अब जो T-19 कृष्णा है उसकी भी हालत ऐसी है कि वो कभी भी उसके साथ भी उसकी भी जन मतलब उसकी भी मौत हो सकती है, क्योंकि इसकी बहुत बुरी स्थिति में, उसको या तो कैप्टिव में रखा जाए, कैप्टिव में नहीं रखा जाए तो कम से कम उसकी विशेष मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग बढ़ाने की जरूरत है, सर्विलांस बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अधिकारी भी हतोत्साहित ना हो, इस तरह के भी प्रयास करने चाहिए। क्योंकि आप पहले डीएफओ हटा देते हो, फिर नया डीएफओ लाते हो, अब आप तीसरा डीएफओ ले आओगे, उसके बाद अगला डीएफओ ले आओगे, तो ये क्रम तो चलता रहेगा, लेकिन इससे अधिकारियों में उत्साह नहीं बनेगा, क्योंकि रणथंभौर अब बाघों की फैक्ट्री बन चुका है विजेंद्र। तो ऐसे में वहां आपको समय देना होगा वहां के डीएफओ को, वहां के फील्ड डायरेक्टर को, लेकिन उनको यह भी ताकीद करना होगा कि आपको सही तरीके से काम करना होगा, एक प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन बार बार आप अधिकारियों पर इस तरह से गाज कह रहे हो तो निश्चित तौर पर उसको सही नहीं। अच्छा एक और सवाल, क्या इसको हस्तक्षेप नहीं कहेंगे, क्योंकि हेमाराम चौधरी जो है वन एवं पर्यावरण मंत्री है और वो जिक्र कर रहे हैं कि भाई पर्यटन में नेग्लिजेंस, यानी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का मामला है, तो लिखा जाना था तो टूरिज्म मिनिस्टर को लिखा जाता। बिल्कुल हेमाराम जी के मामले में सीधे तौर पर काजस के, जब से हेमाराम जी वन मंत्री बने उसके बाद से मुश्किल से 2 या 3 बार रणथंभौर गए, तो उनको रणथंभौर की ज्यादा जानकारी है नहीं। वो सिर्फ कोई भी उनको कोई पत्र लिख देगा, उस पत्र के आधार पर अगर वो मुख्यमंत्री से किसी अधिकारी को हटाने के रिकमेंड कर देंगे तो निश्चित तौर पर उसको विडंबना ही आ जाएगा। कोशिश की जानी चाहिए आप प्रॉपर रिपोर्ट लेते,
संग्राम सिंह को आपको अपने पास बुलाना चाहिए था, उनसे आप सवाल जवाब करते हैं, उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं थे तो आपको आगे रिकमेंड करेंगे तो उनको हटाने की जी। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर विजेंद्र कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई दूसरी जगह से, किसी दूसरे दरवाजे से कोई फूंक मारी गई है, और उस फूंक का नतीजा ये है कि हेमाराम चौधरी जी ने भी बिना सोचे समझे उन्होंने आगे इस बात का जी पत्र लिखा। ठीक है निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।